क्या आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होती है? तो अगर आप भी इस बीमारी से परेशान है तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि महीने में ब्लीडिंग कम क्यों होती है, अगर होती है तो वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और उसके कारण क्या क्या है और उसका इलाज क्या क्या है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनको पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होती है। तो मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता आपके पीरियड्स में ब्लीडिंग कम आने के जो सारे सवाल है उनका जवाब मैं इस वीडियो के द्वारा दूंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीरियड्स कम आना किसे बोलते हैं। अगर आपको पीरियड कम आते हैं, मतलब अगर आपको स्पॉटिंग ही हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मेरे 5 दिन आते थे और अभी मेरा 1 दिन ही आ रहा है, तो ये भी हम पीरियड्स कम ही मानते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ तो कारण देखो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि हम फिजियोलॉजिकल कारण मानते हैं, और कुछ कारण एबनॉर्मल होते हैं, जैसे कि पैथोलॉजिकल कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नॉर्मल कारणों में अगर आपका सबसे पहला देखा जाता है कि एज क्या क्या है। अगर आपकी एज, मतलब अभी आपको मेनार्की अटेंड हुआ है, मतलब आपके पीरियड्स आना अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, तो 1-2 साल तक आपके पीरियड्स थोड़े कम रह सकते हैं। अब आते हैं कि आपके पीरियड एक जाने वाली एज में है, मतलब 40 से 50 साल के बीच की उम्र में भी अगर ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है। अगर इस एज में आप आ रहे हैं, एक शुरू वाली एज में और एक लास्ट वाली एज में अगर आप आ रहे हैं, तो पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होना नॉर्मल होती है। एक सेकंड कारण आता है जेनेटिक्स, मतलब अगर आपकी मम्मी को या आपके सिस्टर्स को कम ब्लड आते हैं तो आपको भी नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं उसमें कम ब्लीडिंग आ सकती है। तो ये 2 कारण तो नॉर्मल ही गिने जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मल में ये भी गिना जाता है कि आपकी अगर डिलीवरी हुई है और आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो भी पीरियड्स कम आ सकते हैं। तो अगर आपको ये सब कारण है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से आप बिना टेंशन के रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल कारण क्या क्या हो सकते हैं। एबनॉर्मल में सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल इम्बेलेंस, मतलब आपकी बॉडी में जो पीरियड्स लाने के वाले हार्मोन है वो थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। तो मोस्ट कॉमन कारण एक तो थायराइड डिसऑर्डर माना जाता है। अगर आपका थायराइड एबनॉर्मल है तो आपको पीरियड्स थोड़े कम आ सकते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कारण होता है पीसीओडी। पीसीओडी में क्या होता है कि ओवरी में छोटे छोटे एग्स कई सारे बन जाते हैं और कोई भी एक एग मेच्योर नहीं हो पाता, जिससे एग रिलीज नहीं होता और पीरियड्स नहीं आते। तो पीसीओडी की बीमारी और हार्मोनल इंबैलेंस की बीमारी ऑलमोस्ट सेम सी है। इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कारण हो सकता है कि आप कोई ओसीपीज ले रहे हैं, मतलब पीरियड्स को रेगुलर करने के मेडिसिन ले रहे हैं, या आपने कोई मिरीना मतलब आईयूसीडी जो दवा वाली होती है वो यूट्रस में फिट करा रखी है, तो उसमें भी पीरियड्स कम आ सकते हैं। इसके अलावा अब ये कारण होता है कि बच्चादानी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। बच्चादानी में अगर आपका टीबी हुआ है, मतलब जेनाइटल टीबी, जो टीबी की बीमारी होती है उसमें बच्चादानी की दीवारें आपस में चिपक जाती है, या आपकी कोई डीएनसी हुई है मतलब सफाई हुई है, तब भी बच्चादानी की दीवारें चिपक सकती है और आपको ब्लीडिंग कम आ सकती है। या अदर एक कारण होता है कि स्ट्रेस, आपने इतना स्ट्रेस ले लिया कि आपके हार्मोन गड़बड़ हो जाएंगे तो आपके पीरियड्स गड़बड़ आ सकते हैं। इसके अलावा एक कॉमन कारण होता है कि आपने इतना वेट लॉस कर लिया कि आपकी बॉडी का जो फैट है वो काफी कम हो गया, क्योंकि फैट में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो कि हमारे पीरियड लाने के लिए जिम्मेदार होता है, वो कम हो जाएगा तो पीरियड सही नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब मैंने कॉमन कारण बताया कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि हर चीज का इलाज है। पहले अपने को पता तो चले कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, तो डॉक्टर से मिलेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। तो इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक सोनोग्राफी कराते हैं, फिर उसमें जो भी हम दिक्कत निकलती है उसका हम इलाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिले। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स से रिलेटेड अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, हम हमारी टीम इसके आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।